मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बघेड़ी गांव के रहने वाले 81 साल के कन्हई बाबा अब बघिया वाले बाबा के नाम से लोकप्रिय हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लोग उन्हें पागल कहने लगे थे। वहीं अब गांव वाले उन्हें बघिया वाले बाबा के नाम से बुलाते हैं, उनके काम की प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। गांव के छोटे छोटे बच्चों को वो पेड़ों का महत्व बताते हैं और कन्हई बाबा के लगाए गए पेड़ों की सुरक्षा में बच्चे 100 काम अधूरे छोड़कर भी मुस्तैदी से लगे रहते हैं। गांव के ज्यादातर बच्चे अपने अपने घर के दरवाजे पर छोटे छोटे पेड़ों को लगाकर उनके कटीले जड़ों से ढक देते हैं ताकि पेड़ सुरक्षित रहें। विगत 20-25 सालों से कन्हई बाबा नंगे पैर आज भी 81 वर्ष होने के बावजूद हर दिन टहलते हुए पौधों का हालचाल लेते हैं और वो प्रतिवर्ष दर्जनों पौधे रोपते हैं और वर्ष भर में जहां जहां भी उनके पेड़ लगे होते हैं वो वहां पर जाते हैं और वहां जाकर पेड़ों से दुलार करते हैं। कमजोर नजर और लड़खड़ाती जुबान से कन्हई बाबा बताते हैं कि उन पर पौधे रोपने का जुनून बचपन से सवार हुआ, तब से ये आज तक जारी है और उन्होंने देखा कि लोगों को सुकून के दो पल बिताने के लिए भटकना पड़ता है, इसलिए उन्होंने पौधे रोपित करना शुरू किए। पेड़ की छांव में किसान और राहगीरों को आराम करते देख कन्हई बाबा का मन काफी खुश होता है और साथ ही साथ वो बघेड़ी गांव से मुख्य सड़क तक खेत मंदिर पोखर आदि सभी जगह पौधे वो लगा चुके हैं जो गांव की शोभा बढ़ा रहे हैं और पर्यावरण को भी संरक्षित कर रहे हैं। साथ ही साथ पेड़ लगाने के जुनून के चलते कई खेत मालिकों की डांट खाकर भी वो चोरी छिपे यहाँ पर पेड़ लगाते हैं और वो बताते हैं कि मैंने अपने बाल्यकाल में बहुत अभावों में गुजारा, मगर सदमार्ग से कुछ समाज और परिवार के लिए करना चाहता था। आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण मैंने भागवत कथा में सुना कि गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश देते हुए कहा कि कोई मनुष्य जातक का प्राणी अपने जीवन में 5 वृक्ष लगाता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ से प्राप्त पुण्य का फल प्राप्त होता है। फिर मैंने जहां खाली जगह मिलती है वहां पर वृक्ष लगाने का कार्य करता रहा और उसी का परिणाम रहा कि मेरे बच्चे मुझसे शिक्षा प्राप्त करने की जिद करने लगे और मैंने भी पेड़ लगाते हुए उनके भविष्य को संवारने का काम किया। अब तो मेरे गांवों में वृक्षों के प्रति ऐसा बदलाव आया है कि हर व्यक्ति वृक्ष लगाने के प्रति जागरूक है और हर कोई पेड़ों की रक्षा करता है और खास तौर पर बच्चे पेड़ों की रक्षा करने हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? मनीष। कौन से गांव के रहने वाले हो? बघेड़ी। अच्छा, तो यहाँ आप क्या करने आए थे? घर बनाने। अच्छा, तो घर क्यों बनाया आपने? जानवर नहीं खा पाए। किसको? पेड़ को। तो ये किसने लगाया था पेड़ा? कन्हई बाबा। तो कन्हई बाबा को आप जानते हो? हाँ। तो क्या करते हैं वो? पेड़ लगा। कहाँ कहाँ? बहुत जगह। आपने देखे हैं उन्हें लगाते हुए? हाँ। कहाँ कहाँ लगाए उन्होंने? मैं पजरिया में लगाए, वो वाले स्कूल में, ये स्कूल में लगा। और खेतों पे भी जाके लगाते हैं वो? हाँ। खेत पे कहाँ लगाते हैं? मैं तो यहाँ पर जो इतने सारे पेड़ लगाए गए हैं, ये किनके द्वारा लगाए गए हैं? हनुमान जी बाबा की कृपा से मैं लगाते हैं। कौन लगाता है? कन्हई पाल। तो कब से लगा रहे हैं वो? जो 20-30 साल पुराने पर से। अब वो वृक्ष बड़े हो गए हैं? हाँ, हो गए बड़े। तो आप को कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छी चीज है तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा। बाबा आप इतने सारे पेड़ लगाते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं, आप कब से पेड़ लगा रहे हैं? हम 25-30 वर्ष के थे तब के लगा रहे हैं और जो हमें गीता और रामायण पढ़ने से ज्ञान हुआ तो हमने पेड़ लगाओ शुरू कर। गीता में लिखी वो सत्य भी है, रामायण में लिखी वो भी सत्य। रामायण में 3 जगह बताई पेड़ लगाने को महत्व। क्या क्या बताया उसमें? क्या क्या बता? रामायण जी में बताइए कि कैलाश पर्वत पे बर आम बताओ रामायण में, नील शिखर पहाड़ पे 4 पीढ़ी बर पीपर पाखर आम, 4 पीढ़ी नील शिखर पहाड़ पे बताए, और चित्रकूट में 5 बताए। और गीता में क्या लिखा है? गीता में जो है अर्जुन प्रश्न कर रहे, गीता में कृष्ण जी बोल रहे जो संपूर्ण बाग न लगा सके तो सिर्फ 5 पीढ़ी सठोर में लगा परवस्त कर दे उसका जीवन सफल हो जात, और पेड़ लगाने का असमी एक के समान फल है, जो पेड़ लगाए उसकी 5 साल की प्राणी बैकुंठ में वास करते, ऐसी हमने गीता में बांची।
अच्छा, अब आप जो पेड़ लगाते हैं वो बहुत बड़े बड़े पेड़ वृक्ष हो गए हैं, तो उन्हें देखकर कैसा महसूस करते हैं आप? हाँ, आप खुशी हो देख के हमारी मोड़ी मोड़ा ठा रही। अच्छा, तो कभी कभी आप जैसे किसी जगह पे ऐसी जगह पे भी पेड़ लगा के आते हैं कि विवाद की स्थिति बन जाती है? हाँ बन जात। तो फिर उसमें क्या करते हैं फिर आप? उसमें काव गम खा के रह जाते, हम गरीब आदमी, हम काव से लड़ाओ जो बूढ़े आदमी से, हम तो अपन से फूकों हो जाते, कोई काट डाया तो गम खा जाते, क्या करें। और फिर उसी जगह पे फिर लगा आते हैं, फिर शांति हो जाए तो फिर लगा दे। अच्छा। और फिर विवाद हो जाए तो फिर चुप हो जाए। लेकिन पेड़ लगाना बंद? पेड़ लगाना बंद नहीं किया। अच्छा, और अब ये छोटे छोटे बच्चे आपके लगाए हुए पेड़ों को सुरक्षित रख रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहा है? मोड़ी मोड़ा बहुत कोशिश कर, हमारा सहयोग कर, और वे खुद लगाओ, खुद यखरा लगाओ पानी डाल, हमें सहयोग कर। तो इससे